हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम आज दमदार थाप वाले कहरवे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग बहुत टाइप के प्रोग्राम बजाते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल कहरवा बजाते रहते तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। और वो मज़ा क्या है, मैं अभी बजा के बताता हूँ कि वो चीज़ क्या होती है। तो थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए कोई एक भजन चला या फिर कोई सुंदरकांड की चौपाई चली। पहले भजन पे एक बताता हूँ। नॉर्मली एक भजन है जो बहुत ज़्यादा बजता है कहीं भी कीर्तन भजन में, जैसे ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, मेरा आपकी कृपा से नर नार नारे। अब ये चला, अब ये भजन मान लीजिए 5 मिनट चला, 4 मिनट चला, पूरे ताल में आपने इसी टाइप के टन टन बजने वाले 3-4 प्रकार के ठेके बजा दिए तो मज़ा नहीं आया। अब देखिए, उसी पैटर्न के अंदर जब मैं थपकी वाला पैटर्न लगाता हूँ, दमदार वाला, तो उसका दम देखना। अब देखिए दोस्तों, थपकी वाले का मतलब ये नहीं कि थपकी वाला ठेका सीख लिया और सीधे जाके बजा दोगे। अब उस ठेके के अंदर वो दम कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो अंदर का मैकेनिकल चीज़ क्या है, वो जानने के लिए जरूर वीडियो में बने रहिएगा। देखिए क्या है, वो कैसे बजेगा। वो मेरा आप की शुरुआत में थपकी लगा के दिखा दो, क्या दम आएगा एक ही बार में। शुरुआत में अगर भजन शुरू हो, अगर लगे कि पूरा बंध जाए भजन, तो सीधे थपकी वाला पैटर्न लगा दो जो अभी मैं बजाने वाला हूँ। कैसे, हो मेरा आप की कृपा से सब काम चल रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम चल रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम चल वाला पैटर्न सुखा, कितना मजा आया होगा। ये पैटर्न आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा, लेकिन इस टाइप के पैटर्न आपने तो बहुत जगह सुने होंगे और मैंने कई बार वीडियोस में समझा रखा है, पुरानी वीडियोस में। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी होगी इस पैटर्न, कहीं बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने, जैसे अनुज लोधी जी ने, आशीष नोटियाल जी ने, ढोलक की थाप चैनल है, उन लोगों ने आपको बहुत टाइप के पैटर्न आपको सिखाए होंगे। लेकिन जब आप बजाने जाते होंगे तो वो रस नहीं आता होगा। जैसे हम लोग बजाते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि जितने भी ढोलक वाले वो लोग बजाते हैं तो उनके हाथ में ऐसा क्या होता है जो हम लोग सेम टू सेम फॉलो करते फिर भी नहीं आता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों, मेन चीज़ इसकी टेक्निक के ऊपर है। वो टेक्निक क्या क्या है वो जल्दी से मैं समझा देना हूँ। पहला पैटर्न का ये टेक्निक और पैटर्न को समझा देता हूँ, फिर एक और बहुत ही सुंदर और एक दमदार पैटर्न है वो मैं समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, सबसे पहला पैटर्न जो हमने अभी बजाया वो देखिए, जरूर से मैं सिखाऊंगा भी अच्छे तरीके से, लेकिन जो टेक्निक क्या है, पहले टेक्निक को देखिए, जो मेरा हाथ कैसे चल रहा है, और देखिएगा, अभी देखिए कैसे चल रहा है। थपकी देखिए, थपकी 90% थपकी का काम है, उसके ताता तो आराम से सबको ही बजा लेते, लेकिन वो थपकी का टेक्निक देखिए। इस वीडियो में आप थपकी भी अच्छी तरीके से बजाना सीख जाओगे। देखिए, हमने स्लो बजाया, इस गाने में स्लो है तो फास्ट भी कर सकते हो आप। आपको लग रहा है कि थपकी बजाने मुझे जरा सी भी मेहनत लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही होगी, लेकिन जब आप खुद अभी थपकी बजा के देखिए, आपको वो आवाज नहीं आ रही। अभी सुनिए, लीड लगा रखा हो तो जरूर सुनाई दे रहा होगा, मैं बिल्कुल कम मेहनत भी इतनी लाउड आवाज कैसे निकल रही है। आप लोग बजाते होंगे, पूरा शरीर की ताकत झोंक देते होंगे, तब भी वो आवाज नहीं दब जाती होगी। वो सारा चीज टेक्निक का खेल है। ये थपकी कैसे लग रही है, ताल के अंदर बजाते समय ताल का पोजीशन कैसा है वो देखिए। तो पैटर्न को मैं सिखाता हूं और साथ साथ में टेक्निक को भी बताता हूं। पैटर्न का बोल क्या है, धीति ताता तीधी धाता, बहुत जरूरी पैटर्न है। देखिए, धीति ताता तीधी धाता, ठीक है, बोल लिखे हुए मिल गए होंगे। इस पैटर्न को पहले बजाना सीखिए, टेक्निक बताता हूं और इसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस दूंगा जिससे आपका थपकी सुधर जाएगा। देखिए कैसे, धी ती ता ता, ठीक है, धी ती ता ता। अब लोग मेन गलती कहां पे करते हैं, जब ये थपकी मारते हैं, अब देखो मेरा थपकी मारने का क्या तरीका है, देखिए आराम से पट से, ऐसा लग रहा है चिपक जा रही है जाके, मेरे को कॉपी कीजिए,
इसके अंदर देखो क्या होता है कि ना, सभी के हाथ की मांसपेशियां अलग अलग होती है। अब देखो जरूरी नहीं है कि जैसी मेरी हड्डियां हैं जहां पे वो है सेम हो। अगर मैं अपनी टेक्निक बताऊंगा तो वो नहीं समझ में आएगी आपको, टेक्निक भी बता रहा हूं मैं, लेकिन जो अपने आप से जो तुक्का एक बार फिट हो गया, एक बार भी तुक्का फिट हो गया, उसी को पकड़ना है। मेरा टेक्निक देखो, हाथ का चलन देखो कैसा है, ऐसा क्या हो रहा है, इतनी दूर आ रहा है और इतनी दूर के अंदर में इतनी तेज रफ्तार हो जा रही है हाथ के कि इतनी तेज थपकी बज जा रही है। देखो मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स हूं, थपकी लग रही है, आराम से थपकी लग रही है, लेकिन आप लोग जब बजाने जाओगे तो ये हाथ उस तरीके से चलेगा नहीं। तो मैं बता रहा हूं इसके अंदर का क्या कारण है। इसके अंदर दो कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण कि जो ये आपका हाथ है, अभी आप बिल्कुल नए हैं, तो नए लोगों को बजाना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये इंप्रूव होने वाली चीजें। ये एक बार में ऐसा नहीं होगा कि टेक्निक आपको एकदम से पता लगी, खुल जा सिमसिम हो गया, एकदम से टेक्निक आप बजा लोगे, एकदम से टेक्निक पता लगी बजा लोगे, ऐसा नहीं। धीरे 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 अभी आपकी थपकी ऐसे बज रही है, धीरे धीरे थोड़ी सी और लाउड होगी, धीरे धीरे और लाउड होगी। अब देखिए इसकी एक टेक्निक बताता हूं मैं कि आपको हाथ ऐसे कर्व करना है और इस उंगली को थोड़ा सा मोड़ के रखना है, ये वाली उंगली को थोड़ा सा। ये देखिए मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे मुड़ा रहेगा और उंगली मुड़ी, अगर सीधी कर लिया आपने तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगी, थोड़ा सा मुड़ के। और यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इतनी पूरी हथेली अंदर जानी चाहिए, ये लाइन से थोड़ा सा और अंदर, ठीक है। जितना अंदर लोगे उतने ज्यादा थपकी बजने के ज्यादा चांसेस है। और चोट कहाँ पे लगनी चाहिए, जब आप हिट करोगे तो आप, बहुत लोग यहाँ पे ज्यादा हिट करते हैं और ये पूरा हथेली का यूज करते हैं, नहीं, ये पूरी हथेली का, ये जो चाटी का ये तीन फिंगर है ना, ये इतनी इतनी चीज पे हिट होता है और यही थपकी का साउंड को प्रोड्यूस करती है। ऐसे जाके लगा, मुझे चोट कहाँ लग रही है, अभी मुझे चोट इन तीन उंगलियों के इतने एरिया में लग रही है और कहीं पे भी चोट नहीं लग रही। ऐसा जाके जाके जाते लगते लगते पट्ट से यहां से जाके लग जा रही है, ऐसे रबड़ की तरह जाके पट्ट से लग जाए। ये थोड़ा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये पैटर्न को जल्दी से समझ लीजिए कैसे है, धी ती ता ता, ठीक है। धी थपकी का मेथड समझो ना, ऐसे मारना है, धी ती ता ता, फिर उसके बाद ती धी, फर्स्ट फिंगर लग जाएगा। जैसे ये ती आगे लगा फिर पीछे आ रहा है तो वहां पर फर्स्ट फिंगर लग जाएगा, ती धी धा, बस इतना ही सिंपल सा। फिर से देखिए, धी ती ता ता, फिर उसके बाद ती धी धा ता, ठीक है। ऐसे ही करना आपको, धी ती ता ता, ती धी धा ता, ठीक है। ये हैंड का पोजीशन मैं इधर दिखा रहा हूं, वो हिट नहीं कर रहा मैं क्योंकि चोट लग जाएगी मुझे, यहां पे हिट कर सकते हो आप, तो अच्छे से समझ गए होगे पैटर्न को। और दोस्तों जैसे जैसे मैंने इस चीज को, जो मैंने बातें बताई, टेक्निक समझाने की कोशिश की, ये बातों से नहीं समझ में आ सकता, जो जो मैंने अपने अंदर से फीलिंग्स थी उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, उसको अच्छे से समझिएगा। दूसरे पैटर्न पे पहुंचते हैं, लेकिन इस पैटर्न पे भी उतना ही ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत कॉमन पैटर्न है और ये 90% लोग बजाते हैं इस पैटर्न को किसी भी प्रोग्राम के अंदर। जैसे मैंने अभी गाने पे बजा के बताया, ये इससे दमदार ठेका आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा, ये सबसे ज्यादा दमदार ठेका माना जाता है नॉर्मल कीर्तन भजन में बजाने के लिए। ये इसी को भजनी ठेके में बजाया जाता है, लोग अलग अलग नाम डाल के अलग अलग ठेके बताते हैं, लेकिन यही सब है जो भजनी ठेकों में बजते हैं, ठीक है। सेकंड ठेका जो एक बहुत ही सुंदर सा ठेका है, इस गाने पे भी बजा सकते हो, मैं पहले सुनाता हूं कैसे बजता है। और इसकी वैल्यू क्या है थोड़ा सा गा के बताता हूं। एक बहुत ही फेमस गाना है जिसके जिसके साथ ये ठेका बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, कैसे, प्यारे 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 तारे बिना लागे नहीं प्यारा दिया रे, तारे बिना लागे नहीं प्यारा दिया रे, नैनो से तूने ऐसा जादू किया रे, ठीक है। जो ठेके के ठेपके का पूरे ठेके का दम कहाँ पे लग रहा है, थपकी पे ही लग रहा है। तो मेन चीज आप थपकी पे पूरा ध्यान दे दीजिए, और थपकी पे एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जिसके अंदर थपकी अच्छे से सिखाई है मैंने, कैसे कैसे मारना है, कैसा पोजीशन होना चाहिए, वो नीचे जाके वीडियो दे सकते हो। और ये पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए कैसे बजा है, धाता तिता ता धा धिता, बहुत सिंपल पैटर्न है। जैसे मेरा आपकी कृपा वाले गाने पे भी कैसे बजेगा, ओ मेरा आपकी कृपा से
सब काम चल रहा है, कितना दम आ रहा है इन सब ठेकों में। अगर वही आप ये बजाते, ये एक एक तरीके से ठीक है, ये बजता है, लेकिन जब तक ठेके का ढोलक की असली चीज पहचान थाप नहीं लगेगी तब तक उसका मजा नहीं आएगा। ठीक है, इस पैटर्न को सीख लेते हैं। क्या बोले इसके, धाता तीता ता धा धीता, बहुत सिंपल पैटर्न, देखिए कैसे बजाए, धा ता ती ता, फिर उसके बाद ता धा धी ता, लास्ट टाइम एक और बार मैं समझाता हूं, देखिए कैसे बजाए, धा ता ती ता, फिर उसके बाद ता धा धी ता, बस इतना ही है। वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो वीडियो को पीछे पीछे कर करके देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से ये वाला ठेका समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने दो ठेके बजाए, अगर इन दो ठेकों को भी आप बढ़िया तरीके से सीख लेते हो तो आप अच्छे खासे प्रोग्राम में अच्छा खासा आप अपना रुतबा जमा सकते हो। तो ये बात इसमें ये भी मैटर करता है कि आपका थपकी भी उस तरीके से बजना चाहिए। तो थपकी बजाने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स बताई आज, मैंने जो मैंने फीलिंग से बताने की कोशिश कर रहा था उस चीज़ को अच्छे से समझिएगा वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।